हेलो दोस्तों, मैं हूं अशफाक। द वॉइस ऑफ सूफी चैनल में आपका स्वागत है। हमारे पिछले दो वीडियोस में आप लोगों को इतने सारे व्यू, इतने सारे शेयर और इतने सारे लाइक्स देने के लिए आप लोगों का सभी का शुक्रिया। जैसा कि हमने लास्ट दो वीडियो में बताया था, द वॉइस ऑफ सूफी यानी सूफीज्म पे हम लोग बात करने वाले हैं। तो लास्ट दो वीडियो में हमने बात की थी सूफीज्म की डेफिनेशन क्या है और सूफी वर्ड का मतलब क्या है। तो सूफी वर्ड का मतलब जैसे कि आप समझ ही गए होंगे, सूफीज्म की डेफिनेशन भी समझ ही गए होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में एजेंडा बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लाने वाले हैं सूफी संतों के नाम और वो किस कंट्री से थे और किस युग में वो लोग थे, ये हम लोग आपको आज बताने वाले हैं। तो जैसा कि हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं, उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर सूफी संतों के बारे में आप और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, जैसे कि आज के वीडियो में सिर्फ हम उनके नाम और उनका युग ही बता पाएंगे और कंट्री बता पाएंगे, अगर और तफसीर से जानना चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो में हम इंडिविजुअल सभी सूफी संतों की स्टोरी लाने वाले हैं। एक पूरा कंप्लीट वीडियो एक किसी सूफी संत को डेडिकेटेड होगा। तो आइए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहले सूफी संत हुए हैं अभी फ़िलहाल जो मेरी लिस्ट में अवेलेबल है, जो सबसे पहले जिनका नाम मैंने लिखा है, वो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपकी पैदाइश सन 1570 और आप अरब सऊदी अरब में पैदा हुए, शहर था मक्का। आप जो है दुनिया के सबसे बड़े सूफी संत हैं, जैसा कि हम लोगों ने रिसर्च किया अभी तक, सबसे बड़े सूफी संत हैं। सूफीज्म का जो सिलसिला आज के युग में, जो जैसे हम आज का युग बोलते हैं, जो कि ईसवी के अकॉर्डिंग, सबसे पहले सूफी संत जो हुए हैं आप ही हुए हैं, आप ही से सूफी संत सूफीज्म का सिलसिला शुरू हुआ है। आपके कुछ कॉल हैं, जैसा कि मैंने बताया था लास्ट वीडियो जो हमारी थी सूफीज्म की डेफिनेशन पे थी, तो आज हम लोग जब रिसर्च कर रहे थे तो मेरे दिमाग में ख्याल आया कि जो सूफी संतों ने कहा है, अपनी सभी का अलग अलग कॉल होते हैं, किसी ने सूफीज्म के बारे में कुछ कहा है, तो जो भी इन लोगों ने अब बयान किया है वो अपने आप में सूफीज्म की एक डेफिनेशन होती है। तो आप जो भी इन्होंने बयान किया वो हम आपको बताते हैं, जिससे कि आपको ये भी समझ में आएगा कि ये भी एक सूफीज्म की डेफिनेशन बनती है। लाइक हज़रत मोहम्मद का एक कॉल है, सभी इंसान एक समान है और सारी मानव जाति को एक दूसरे के लिए आदर और सद्भावना रखनी चाहिए। तो देखा जाए तो ये भी सूफीज्म की एक परिभाषा हो जाती है कि सभी इंसान एक समान है। मतलब जो इंसानों को आज की दुनिया में बांट दिया गया है अलग अलग धर्मों में, अलग अलग कौम में, अलग अलग फ़िरकों में, तो कुल मिला के सभी इंसान एक समान है और सभी के प्रति आदर होना चाहिए। ठीक है, हम अगर किसी के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट उनका आदर तो कर ही सकते हैं। अगर हम आदर करेंगे तो कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए अपने दिल में मोहब्बत पैदा होगी, जो कि सूफिज्म के डेफिनेशन में हमने बताया था। दूसरा आपका कॉल है, हर तरह के इंसानों की मदद करना चाहिए। हर तरह के इंसानों से मुराद है कोई भी आपके सामने हो, आप उनकी मदद कीजिए। अगर वो बेहाल है, बेबस है, लाचार है, तो आपको बिल्कुल उनकी मदद करना है। वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी फिरके से हो, ये चीज़ आपको नहीं देखनी है। ये भी हमने सूफीज्म की डेफिनेशन में पढ़ा था। तो सूफी संतों ने जो भी कहा है वो सूफीज्म से रिलेटेड ही बात की है उन्होंने। कुल मिला के जो हमने एक डेफिनेशन आपको बताई थी, इंसान को इंसान समझना, इंसान को इंसान के लिए पैदा किया गया है, तो वो डेफिनेशन यहाँ पर खुलती है। एक और कॉल है हज़रत मोहम्मद का, जो आपने कहा है, लोगों को फ़ायदा पहुँचाते रहो, बड़े आदमी बन जाओगे। तो ये जगह जगह पर हमने लिखा हुआ देखा है। जैसे कि हम बात करें हमारे शहर इंदौर की, तो यहाँ पर भी लिखा हुआ हमने देखा है कि लोगों को फ़ायदा पहुँचाते रहो, आप बड़े आदमी बन जाओगे। तो ये भी एक कॉल है सूफीज्म से रिलेटेड। तो ये रही, अब हम बात करते हैं दूसरे सूफी, जो कि हज़रत मोहम्मद के बाद जिनका नाम हमने लिस्ट में लिया है, ये हैं हज़रत अली, जो कि आप हज़रत मोहम्मद के चचेरे भाई हैं, कज़िन हैं आप उनके। आपका जन्म सन 600 ईस्वी में हुआ, सन 600 ईस्वी में आपका जन्म हुआ। आपका जो जन्म स्थान था वो काबा था, मक्का शहर में, जो काबा मुस्लिम से इस्लाम का जो तीर्थ स्थल है काबा, वहाँ पर उसके अंदर आपकी पैदाइश हुई। आपको सूफियों का इमाम भी कहा जाता है, हज़रत अली जो है सूफियों के इमाम कहलाते हैं। जो भी सूफी इनके बाद दुनिया में आए, आपका उन सूफियों का हज़रत अली से गहरा ताल्लुक़ रहा है, भले ही वो किसी भी धर्म से रिलेट करते हों, उनका गहरा ताल्लुक़ रहता है, रूहानी तौर पर बहुत ही गहरा ताल्लुक़ रहता है। हज़रत अली का जो कॉल है, ये भी सूफीज़म के डेफिनेशन से मैं आपको बयान कर देता हूँ। अगर रास्ता खूबसूरत है तो पता करो किस मंजिल को जाता है, और अगर मंजिल खूबसूरत है तो रास्ते की परवाह मत करो। तो इससे हमें निकलता है कि यार रास्ता, जब भी हम किसी रास्ते पर चलते हैं, जब भी हम किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ते हैं, जब हमें राह में सब कुछ अच्छा अच्छा मिले ना, तो एक बार हमें सोच लेना चाहिए कि कहीं हम गलत रास्ते पर तो नहीं है। क्योंकि हमेशा देखा गया है कि जब इंसान गलत रास्ते पर होता है तो सभी कुछ उसके साथ अच्छी चीज़ें होती हैं, हर चीज़ उसके फ़ायदे में होती है, हर चीज़ उसके हक में होती जाती है। तो एक बार वहाँ पर रुककर सोचना पड़ता है कि क्या हम सही रास्ते पर हैं, कहीं हम गलत मंजिल के लिए तो नहीं जा रहे।
और अगर आपकी मंजिल खूबसूरत है तो फिर रास्ते की परवाह मत करो, रास्ता कितना भी मुश्किल है उसे आपको पार करना ज़रूरी है। जैसा कि सूफीज्म के आने वाले वीडियोस में हम आपको बताने वाले हैं कि सूफीज्म जो है, जो हमने बताया कि डेफिनेशन ये है, सुनने में इतना ईजी लगता है, तो इतना ही मुश्किल है इसे फॉलो करना। अगर आप इसे इतना ही मुश्किल रास्ते को फॉलो करेंगे तो मंजिल इंशाल्लाह खूबसूरत होगी। आगे आप बयान करते हैं, दौलत मिलने पर लोग बदलते नहीं, बेनकाब होते हैं। इस कॉल को अगर हम तफसीर से समझे तो दौलत मिलने पर लोग बेनकाब होते हैं, मतलब इंसान की जो फितरत होती है वो उसके अंदर ऑलरेडी होती है, लेकिन जब वो खुलकर कब आती है, जब उसे दौलत मिलती है। दुनियाई दौलत की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आपका तीसरा कॉल है जो कि बहुत ही खूबसूरत अंदाज से लिखा गया है, बहुत ही अच्छी, मतलब इसमें एक एग्ज़ाम्पल दिया गया है और एग्ज़ाम्पल बनाया है ओस की बूंदों को। जिस तरह ओस की बूंदें मुरझाए हुए फूलों का रोश को रोशनी देती हैं, उसी तरह अच्छे अल्फाज मायूस दिलों में रोशनी पैदा करते हैं। मुरझाए हुए फूलों को एक नई ज़िंदगी देती है ओस की बूंदें। तो ओस की बूंदों की तरह हम लोग का मिजाज, हम लोग को बनाना होगा उतना ही नरम और उतना ही मुलायम। तो हमारे जो अल्फाज रहेंगे, अगर जितने नरम अल्फाज हम यूज़ करेंगे लोगों के लिए, तो उतना ही आपका दिल रोशन होगा और आपको सुनकर सामने वाले का कल्ब भी रोशन होगा। तो ये हज़रत अली ने फरमाया। अगले जो हमारे सूफ़ी हैं, मौलाना जलालुद्दीन रूमी। आपका जन्म 1207 ईस्वी में हुआ और आपने जो पर्दा किया दुनिया से, दुनिया से पर्दा से मुराद है जो भी सूफ़ी संत होते हैं। तो जैसा कि हम आपको बताने वाले हैं कि सूफ़ी संत जो जो होते हैं उन्हें वो अमर होते हैं, तो हम उनके लिए डायरेक्ट ये वर्ड इस्तेमाल नहीं करते हैं कि मृत्यु या मौत, तो इस तरीके का वर्ड यूज़ ना करते हुए उनके लिए वर्ड हम यूज़ करते हैं उन्होंने दुनिया से पर्दा किया। ज़ाहिर तौर पर उन्होंने पर्दा किया है, बातिनी तौर पर वो अभी भी मौजूद हैं। तो हम लोग बोलते हैं दुनिया से उन्होंने पर्दा किया 1273 ईस्वी में। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी जो थे बहुत ही बड़े शायर, बहुत ही बड़े सूफ़ी और इश्क की अलग अलग मंजिलों को समझाने वाले सबसे पहले शायर मैं कहूँगा इन्हें, कि इश्क की अलग अलग मंजिलों को जिन्होंने बयान किया। आपके जो गुरु थे वो थे शम्स तबरेजी। शम्स तबरेजी जी से आपको बे इंतहा इश्क था। बहुत सी किताबें आपने लिखी जिसमें आपकी सबसे फेमस है मसनवी जो आपने बुक लिखी। तो मौलाना रूमी का एक कॉल है, रूमी सुखने कुफ्र न गुफ्तस्त न गोयत। तो ये जो है रूमी कुफ्र की बात, मतलब गलत बात ना कभी, मतलब कभी रूमी जो मौलाना ने अपने आप के बारे में कहा है कि गलत बात को वो जानते ही नहीं है, कुल मिला के इसका मीनिंग ये निकलता है। तो ये भी एक सूफीज्म की भी डेफिनेशन हुई, जैसे कि मैंने पहली डेफिनेशन बताई थी खुद को गुनाहों से पाक करना, तो ये कहीं ना कहीं उसी तरफ इशारा कर रही है। रूमी सुखने कुफ्र न गुफ्तस्त न गोयत, मतलब गलत बात को पूरी तरह से कैसे भूल जाना, मतलब खुद को पूरी तरीके से पाक कर लेना। अगले हमारे सूफ़ी जो लिस्ट में हमने जिन्हें रखा है वो है हुसैन बिन मंसूर अल हल्लाज। आपको मंसूर के नाम से जाना जाता है। जन्म आपका 858 ईस्वी में हुआ, मतलब आज से लगभग 1200 साल पहले, और आपने जो दुनिया से पर्दा किया वो 922 ईस्वी बगदाद में जो है आपने पर्दा किया। आप बहुत ही बड़े कवि, शायर और लेखक थे। आपको बाद में आपने एक बात कही थी सूफीज्म के रिगार्डिंग, जिसकी वजह से आपको फांसी दे दी गई थी, जो कि ना अक्ल कम अक्ल लोग जो होते हैं, ना समझ लोग होते हैं, उन्होंने उस बात को समझा नहीं और आपको सज़ा दी गई थी। आपने कहा था अनल हक, यानी मैं सच हूँ, या फिर दूसरी लैंग्वेज में समझा जाए तो मैं ही खुदा हूँ, आपने ये कहा था। अब इन्होंने ये ऐसा क्यों कहा था, जब इनकी स्टोरी हम तफसीर से आपको समझाएंगे पूरी ओवरऑल स्टोरी इनके जन्म से लेके इनके पर्दे तक, तो हम आपको बताएंगे कि ऐसा इन्होंने क्यों कहा था और किस लेवल पर जाके कहा था। अगले हमारे सूफ़ी हैं हज़रत सूफ़ी सरमद काशानी। आपको सानिय मंसूर भी कहा जाता है, जिनके बारे में मैं बता रहा था, मंसूर हज़रत मंसूर के बारे में, उन आपको जो है हज़रत सरमद को सानिय मंसूर कहा जाता है। आपका जन्म सन 1590 ईस्वी अर्मेनिया में हुआ था और आपने जो पर्दा किया 1661 भारत में, मतलब आपको भी शहीद का दर्जा है, आपको शहीद किया गया था दिल्ली में। दिल्ली में जामा मस्जिद की जो मेन गेट है, सीढ़ियाँ जो बनी हुई हैं, जो कि आज हम देखते हैं, जो मेन गेट की जो सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, वहाँ पर आपको जो है शहीद किया गया था। और वहीं जामा मस्जिद के सीढ़ियों से जस्ट नीचे उतर के सामने आपका मज़ार बना हुआ है, जो कि रेड कलर में है। अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की ज़ियारत भी हम लोगों ने की है, मैं और मेरी टीम वहाँ पर गए थे और ज़ियारत करके आए मज़ार की। तो 1661 में आपको शहीद किया गया था। अगले सूफ़ी हैं लाल शाहबाज कलंदर। आपको लाल शाहबाज कलंदर के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है।
पूरी दुनिया में, मतलब यूएस, यूके, यूरोप, इंडिया, पाकिस्तान, इधर के जो देश हैं सभी देशों में आपको जाना जाता है। बहुत मकबूल हुए हैं आप अपने वक्त में, और आप अपने वक्त के बाद आज भी बहुत मकबूल हैं आप। आपका पूरा नाम है हज़रत सैयद उस्मान मरवंदी, लाल शाहबाज कलंदर या लाल कलंदर के आप नाम से आपको जाना जाता है। जन्म आपका था 1177 ईस्वी अफगानिस्तान, और आपका ने जो पर्दा किया वो था 1274 सिंध पाकिस्तान। तो आज भी सिंध पाकिस्तान में आपका मज़ार मौजूद है। आपके लिए एक बहुत ही अच्छा कलाम जो है, बहुत ही फेमस है ये कलाम, दमादम मस्त कलंदर के नाम से ये कलाम जो है दुनिया में फेमस है, वो लाल शाहबाज कलंदर की शान में ही कलाम को लिखा गया है। इसके बाद आपका यहाँ पर मैं देखूँ तो आपने जो आपका जो कॉल है वो सूफीज्म का बहुत दकीक कॉल है। अभी इस इनिशियल लेवल पे थोड़ा सा समझ में ना आने वाला है, लेकिन आने वाले टाइम में जैसा ही जैसा हम आपको समझाते जाएंगे वो चीज़ें आपको समझ में आने लगेंगी। आपने कहा है मैं हर पल इश्क की आग में जल रहा हूँ, एक पल मैं धूल पर लिखता हूँ और एक पल कांटों पर नाचता हूँ। तो ये जो कॉल इन्होंने कहा है अलग अलग मंजिल के अकॉर्डिंग कहा है। जब हम लाल शाहबाज कलंदर की स्टोरी कवर करेंगे अगले नेक्स्ट आने वाले जो भी वीडियोस हमारे रहेंगे उसमें हम आपको इन चीज़ों का मीनिंग बताएंगे कि किस मंजिल पर इन लोगों ने ये चीज़ कही थी। आगे हम चलते हैं, अगले अगली हमारी लिस्ट में है बाबा बुल्ले शाह। बाबा बुल्ले शाह को पूरी दुनिया जानती है। आपका नाम हज़रत अब्दुल्ला शाह कसूरी है। आपका जन्म 1680 पाकिस्तान में हुआ, और आपने जो पर्दा किया वो 1757 पाकिस्तान में ही आपने पर्दा किया। आपका एक कॉल बहुत ही फेमस है, हालांकि आपने इतनी चीज़ें लिखी हैं कि अगर सारी चीज़ों को पढ़ा जाए तो शायद उसमें ही पूरा इंसान की आधी लाइफ निकल सकती है, इतनी चीज़ें आपने लिखी हैं। बहुत ही चीज़ें लिखी हैं, सिर्फ और सिर्फ आपने अपने पीरो मुर्शिद के लिए चीज़ें लिखी हैं, दूसरा अपने लोगों की हिदायत के लिए चीज़ें लिखी हैं। एक कॉल जो कि सबसे ज़्यादा हमें मिलता है और सबसे मतलब पसंदीदा में से भी एक कह सकते हैं हम, उसका मीनिंग मैं आपको बता देता हूँ। वो पंजाबी में लिखा गया है, उसका मीनिंग ये है मंदिर आप चाहे मंदिर ढा दो, मस्जिद ढा दो, मंदिर गिरा दो या मस्जिद गिरा दो, या फिर दुनिया की हर चीज़ पे आप जुल्म सितम ढा दो, लेकिन किसी के दिल को मत तोड़ो, किसी के दिल को मत तोड़ो। भले आप मंदिर मस्जिद कुछ भी गिरजा तोड़ दो, लेकिन आप किसी के दिल को मत तोड़ो, क्योंकि जो खुदा और भगवान जिसकी हम बात करते हैं वो दिल में ही रहता है। ये सब दिखाने के लिए है मंदिर और मस्जिद, ये सब दिखावे के लिए है। तो इन्होंने यही कहा था, मंदिर मस्जिद आप कुछ भी तोड़ सकते हैं लेकिन किसी का दिल कभी नहीं तोड़ना। ये थे बाबा बुल्ले शाह। और भी कई बातें हैं जो कि आगे हम कवर करते जाएंगे। अगले हम बात कर लेते हैं हिंदुस्तान में जितने भी बुज़ुर्ग गुजरे हैं, हिंदुस्तान में या तो बाहर से वो हिंदुस्तान आए या फिर हिंदुस्तान में ही पैदा हुए, हिंदुस्तान में ही रहे और यहीं पर पर्दा किया। तो सबसे पहला नाम यहाँ पर आता है, पूरी दुनिया आपको ख्वाजा गरीब नवाज के नाम से जानती है। हिंदुस्तान का बादशाह आपको कहा जाता है। हिंदुस्तान का कई लोगों का ये मानता है, अकीदतमंद जो लोग हैं उनका ये मानना है कि हिंदुस्तान में अगर कोई बादशाह है तो वह है ख्वाजा गरीब नवाज। आपका नाम है हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह। आपका जो जन्म है वो 1142 सन 1142 में है इराक, 1142 इराक में आपका जन्म हुआ, और आपने जो पर्दा किया वो 1236 ईस्वी में अजमेर में आपने पर्दा किया। आप सिलसिलाए चिश्तिया के, हिंदुस्तान में सिलसिलाए चिश्तिया के बानी हैं। हिंदुस्तान में अगर सिलसिलाए चिश्तिया अगर आया है तो वो हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती के वसीले से ही सिलसिलाए चिश्ती आया है। ये सिलसिलाए चिश्तिया क्या है इसके बारे में हम लोग एक दो तीन चार वीडियो के बारे में आपको बताने वाले हैं कि सिलसिला क्या होता है, कहाँ से ये चलता है। एक तरीका का हम बात करें तो सिलसिला मतलब एक पूरा हज़रत मोहम्मद जो सबसे पहले सूफी मैंने आपको बताया था उन्हीं से चलते हुए आते हैं सारे सिलसिले, और बाद में आके लाइक एक पेड़ में से जो अलग अलग ब्रांचेस निकलती है, अलग अलग डालियाँ निकलती हैं, उस तरीके से सभी सिलसिले अलग अलग निकलते हैं। तो सारे सिलसिलों के बारे में बताएंगे, कितने सिलसिले अभी मौजूद हैं इन ऑर्डर ऑफ सूफ़ी। तो सिलसिला चिश्तिया के आप बानी रहे हैं। आपका कॉल मैं बता देता हूँ, ये भी सूफीज़्म की एक अच्छी खासी डेफिनेशन हम इसे कह सकते हैं, बेबसों की मदद करना और भूखों को खाना खिलाना अजाब दोजख से महफूज रखता है। अजाब दोजख यानी मरने के बाद हमें जो सज़ा दी जाने वाली है उससे हमें महफूज रखता है। क्या चीज़? बेबसों की मदद करना और भूखों को खाना खिलाना। तो यही बात निकलती है, इंसान को इंसान से जोड़ने का काम जो है इन लोगों ने किया, यही एक डेफिनेशन है। उसके बाद जो लिस्ट में हमारे बाबा फरीद जिन्हें कहा जाता है, आपका नाम बाबा फरीद गंज शकर आपका नाम था रहमतुल्लाह अलैह। आपका जन्म 1173 मुल्तान में हुआ था, 1173 ईस्वी मुल्तान में हुआ था। आपने जो पर्दा किया है आपके का
उसका जो तारीख़ विसाल है उसमें थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट यहाँ पर बनता है कि आपकी तारीख़ विसाल किसी ने यहाँ पर लिखी है 1266 ईस्वी और कहीं पर लिखी हुई है 1280 ईस्वी। कौन सी सटीक है ये हम पूरे तरीके से नहीं कह सकते, बस इन दोनों में से कोई एक है। आपका जो विसाल हुआ वो पाकिस्तान के पाकपटन नाम के शहर में हुआ। आज भी आपका मज़ार बहुत ही अजीम मज़ार बना हुआ है, बहुत ही बड़ा मज़ार बना हुआ है, देखने में बिल्कुल महल जैसा लगता है। काफ़ी बड़े महान सूफ़ी हुए हैं ये पाकिस्तान के। आपको महान सूफ़ी संत और उच्च कोटि के पंजाबी कवि भी कहा जाता है। मतलब उच्च कोटि की बहुत सी चीज़ें इन्होंने पंजाबी में ऐसी कही हैं जिन्हें बाद में सिख गुरुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब में आपकी रचनाओं को भी लिखा है। गुरु ग्रंथ साहिब जो आपके सिख समुदाय का जो ग्रंथ है उसमें भी आपके कई चीज़ें, कई शेर, कई शायरियाँ वहाँ पर आपकी मौजूद मिलेंगी। तो ये हमारे बाबा फरीद। उसके बाद आप कहते हैं ये जो है हज़रत साबिर पाक, आपका पूरा नाम हज़रत अलाउद्दीन मखदूम साबिर कलियरी। कलियर जो उत्तराखंड में है वहाँ पर आपका मज़ार मौजूद है। कलियर जो है रुड़की के पास ये छोटा सा कस्बा है। आपका जन्म 1196 यानी 1196 में हुआ, अफगानिस्तान में आपका जन्म हुआ था। और आपने जो पर्दा किया वो 1291 1291 में भारत के कलियर शहर में आपने पर्दा किया। आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप बहुत ही अल्लाह की याद में हमेशा डूबे रहते थे। आप सिर्फ़ और सिर्फ एक ही वर्ड अपने चेहरा मुंह मुबारक से बोला करते थे, हक। हक का मीनिंग हम निकालें तो या तो सच निकलता है या फिर दूसरा मीनिंग उसका निकलता है खुदा यानी अल्लाह। तो सिर्फ हक बोला करते थे, इसके अलावा आप कुछ भी नहीं बोला करते थे। बहुत जलाल था, आप जिसको देख लिया करते थे वो आपके सामने बोल नहीं पाता था, बहुत ही जलाल था। यहाँ पर भी अल्लाह के फजलो करम से यहाँ पर भी हम लोग ज़ियारत कर कर आए हैं। बहुत ही फैज़ अता का मज़ार है। जो पेड़ जिस एक गुलर का पेड़ है यहाँ पर, उसको आप पकड़ के वहाँ पर जो है मुराकबा किया करते थे, वो पेड़ आज भी मौजूद है वहाँ पर। लगभग 800 साल हो चुके हैं, उसके बाद भी वो पेड़ ऐसा ही मौजूद है जैसा उस वक्त में हुआ करता था। आप सिलसिलाए साबरिया के बानी हैं, इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। अगले जो हमारे बुज़ुर्ग हैं निज़ामुद्दीन औलिया, इनको भी पूरी दुनिया जानती है। अगर हिंदुस्तान में बात करें तो बहुत ही मकबूलियत है आपकी। आपके नाम से एक पूरा रेलवे स्टेशन बना हुआ है निज़ामुद्दीन, हज़रत निज़ामुद्दीन जंक्शन, तो वो आप ही के नाम से पड़ा है। आपका जन्म 1236 ईस्वी यूपी में हुआ। पर्दा आपने जो किया है 325 ईस्वी 1325 ईस्वी माफ़ी चाहूँगा 1325 ईस्वी दिल्ली में आपने पर्दा किया। आप वैराग्य और सहनशीलता की मिसाल हैं। सुल्तानुल मशाइक भी आपको कहा जाता है। आपका एक कॉल है, ये भी सूफीज़्म की अच्छी खासी डेफिनेशन में इसे कहूँगा, नेक लोगों की सोहबत नेक काम करने से बेहतर है और बुरे लोगों की सोहबत बुरे काम करने से बदतर है। ये आपका कॉल है, ये भी सीधी सीधी सूफी ने, अगर कोई मुझसे सूफीज़्म की डेफिनेशन पूछता है तो मैं सिर्फ ये दो लाइन कहूँगा और इसी में सूफीज़्म पूरा बयान हो जाएगा। नेक लोगों की सोहबत सोहबत जो है नेक काम करने से बेहतर है और बुरे लोगों की सोहबत बुरे काम करने से बदतर है। तो सीधे सीधे समझ में आने वाली बात है, इसमें समझाने वाली कोई बात नहीं है। अगले जो आते हैं आप ही के शागिर्द निज़ामुद्दीन औलिया के जो शागिर्द हैं वो अगले हमारे लिस्ट में यहाँ पर हज़रत अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को भी सभी लोग जानते हैं, काफ़ी बड़े शायर हुए हैं, काफ़ी कलाम उनके आज भी फेमस हैं। तो आपका पूरा नाम था हज़रत अमीनुद्दीन अबुल हसन अमीर खुसरो। आपका जो जन्म हुआ 1253 कासगंज यूपी में हुआ था और आपने जो पर्दा किया सन 1325 दिल्ली में। कई बादशाहों के साथ आप रहे और सभी बादशाहों के साथ आपने काफ़ी वक्त तक काम किया। मतलब जो बादशाहों के जो मेन होते हैं राइट हैंड, एज उस पद पर आपने काम किया था, मतलब एडवाइज़र जिसे हम बोलते हैं बादशाहों के, तो उस पद पर आपने काम किया। लास्ट में आपने जो है हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के आप दीवाने हो गए थे और लास्ट में सभी बादशाहों के साथ आपने रहना छोड़ दिया था। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के मज़ार पर ही आप रहते थे। शायरों के उस्ताद और महान गायक और संगीतकार आपको कहा जाता है। कई संगीतकार में, संगीत में तो मतलब आप इतने महान थे कि कई जो राग हमारे पास अभी मौजूद है संगीत में उसके रचयिता हैं आप। कई ऐसे राग हैं जो कि अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह ने ही बनाए हैं। और शायरों शायरी में भी कई चीज़ें ऐसी आपने इजाद की हैं जो कि इसके पहले शायरी में नहीं हुआ करती थी। अलग अलग भाषाओं में आपने शायरी की है, लाइक भोजपुरी भाषा में इसके पहले कभी शायरी नहीं हुई थी, आपने जो है भोजपुरी भाषा में शायरी की।
उर्दू भाषा में आपने शायरी, यहाँ तक कि उर्दू भाषा के रचयिता भी आप ही हैं। उर्दू भाषा को जो शुरू किया गया, उर्दू भाषा में जो स्टार्टिंग में सारे वर्ड अल्फाजों को अलग अलग लैंग्वेज लाइक संस्कृत, हिंदी, अरबी, फारसी, सभी लैंग्वेज को मिला के आपने उर्दू भाषा को की स्थापना की, उर्दू भाषा को आपने बनाया, जन्म दिया। आपका एक कॉल है, ये भी सूफिज्म की डेफिनेशन पे खरा उतरता है थोड़ा सा। सूफिज्म की अलग मंजिल की इन्होंने बात की है, लेकिन बात घूम फिर के वहीं आती है जो कि हम समझाएंगे आपको। खुसरो दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो उभरा सो डूब गया, जो डूबा सो पार। तो खुसरो जो है आपका तखल्लुस आप लगाया करते थे शायरी में, तो आप फरमाते दरिया प्रेम का वाकी उल्टी धार, जो इश्क का जो मंजिल है उसके वो पूरी तरीके से जैसा कि हम सोचते हैं उसके पूरा विपरीत होती है। जो इसमें उभर के बाहर आता है उसको कोई फ़ायदा नहीं मिलता, और जो इसमें डूब जाता है वही फ़ायदे में रहता है। कुल मिला के कहने का ये मतलब है। अगले हम बात करें तो वारिस पाक, वारिस पाक आपको कहा जाता है। आपका पूरा नाम है हज़रत सैयद वारिस अली शाह। वारिस अली शाह ये भी वारसिया सिलसिले के जो हैं बानी हैं, जैसा कि हम लोग अपने नाम के आगे जैसे कि मैं लगाता हूँ अशफाक वारसी, तो मैं भी इसी सिलसिले से नस्बत रखता हूँ। तो आपका जन्म सन 1819 बाराबंकी में हुआ, और पर्दा जो आपने किया सन 1905 देवा शरीफ, ये भी बाराबंकी के करीब 10 से 15 किलोमीटर दूर एक कस्बा है, वहाँ पर आपका जो है मज़ार अभी मौजूद है। मज़ार आपका एक महल नुमा मज़ार बना हुआ है, बहुत ही खूबसूरत मज़ार है। मतलब मज़ार को देख के ही ऐसा लगता है कि यार बहुत ही खूबसूरत जगह पर हम लोग आ गए हैं। आपका एक कॉल है जो कि सूफिज्म की डेफिनेशन में से ही आता है, वो आता है मोहब्बत करो और हसद से बचो। मोहब्बत का मतलब तो आप जानते हैं, हसद मतलब किसी इंसान की किसी चीज़ से बैर रखना, किसी चीज़ से चिढ़ना। तो नफ़रत, कुल मिलाकर हसद का जो एक्चुअल मीनिंग निकलता है नफ़रत, तो नफ़रत किसी से भी मत करो आप। नफ़रत करने का हम लोगों को कोई अधिकार नहीं है, आप सिर्फ मोहब्बत करिए, मोहब्बत करो और हसद से बचो। ये थे वारिस पाक, इनकी भी स्टोरी हम आगे बयान करेंगे। अब बात करते हैं हम इनके बाद जो आते हैं, हिंदुस्तान में भी कई जो है सूफी संत हुए हैं, जिसमें से हम बात करें संत कबीरदास। संत कबीरदास ने कुछ ऐसी बातें या फिर कुछ ऐसी रचनाएं की हैं, लेखन की दुनिया में कुछ ऐसी रचनाएं की हैं कि आपको एक सूफी कैटेगरी में रखना बिल्कुल ज़रूरी था। आइए बात करते हैं। असल कबीरदास का जो जन्म था वो 1398 काशी शहर जो कि यूपी में है वहाँ पर आपका जन्म हुआ, और आपकी जो मृत्यु हुई वो 1494 मगहर में आपकी मृत्यु हुई। आपके जो कॉल थे बहुत ही अजीम बातें आपने कही हैं जो कि बिल्कुल गहरा ताल्लुक़ रखती है सूफीज्म से। आपका कॉल था कर्मों के अनुसार ही गति मिलती है, जगह के हिसाब से नहीं। उस वक्त जहाँ पर आप रहते थे काशी में, वहाँ का ये मानना था कि काशी में जिस इंसान की मृत्यु होती है तो उसे जो है स्वर्ग मिलती है, और मगहर में जिस इंसान की मृत्यु होती है उसे नर्क मिलती है, ऐसा मानना था। तो आपने इस बात, इस कथन को गलत साबित करने के लिए आप अपने अंतिम वक्त में जो है मगहर चले गए थे, और वहाँ पर आपने फरमाया था कि कर्मों के अनुसार आपको जो है फल मिलता है, ना कि आपकी जगह के हिसाब से। तो मगहर में भी आपने अंतिम सांस ली और वहीं आपकी मृत्यु हुई, वहाँ आज भी आपकी समाधि स्थल मौजूद है। तो ये थे संत कबीर। तो ये भी सूफीज़्म की बहुत गहरी परिभाषा हमारे बीच छोड़ गए हैं कि कर्मों के हिसाब से मिलती है। आप ये ना रखें कि अगर आप इस शहर में रहते हैं या फिर आप इस देश में रहते हैं तो आप भगवान के ज़्यादा करीब हैं या खुदा के ज़्यादा करीब हैं। आप दुनिया में कहीं भी रहें या फिर दुनिया के बाहर रहें, आप खुदा के उतना ही करीब होते हैं जितना बाकी लोग उसके करीब हैं, या फिर खुदा आपके उतना ही करीब होता है। अगले हमारे बीच जो जिन्हें हमने सूफी संत की कैटेगरी में लिया है वो है महात्मा गांधी। दुनिया आपको महात्मा गांधी के नाम से जानती है। मोहनदास करमचंद गांधी आपका पूरा नाम था, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं। आपका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर जो कि गुजरात में है वहाँ पर हुआ था, राजकोट के पास ये शहर है। और आपकी जो मृत्यु हुई वो 1948 दिल्ली में हुई, आपको जो है गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। तो इन्हें हमने सूफी की कैटेगरी में क्यों रखा, सबसे बड़ा सवाल आपके दिमाग में यही आएगा कि महात्मा गांधी को सूफीज़्म की कैटेगरी में क्यों रखा।
तो हमने जो सूफीज्म की कैटेगरी अपने अकॉर्डिंग जो लिस्ट बनाई है वो ये बनाई है कि जो सूफीज्म की डेफिनेशन हमने दी थी, ये पर्सनालिटी, ये पर्सन उस डेफिनेशन पर खरे उतरते हैं नहीं, उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग इनकी लाइफस्टाइल थी या नहीं। तो बिल्कुल हम देखते हैं जैसे कि महात्मा गांधी के कई ऐसे आंदोलन हैं जिससे गरीब पिछड़े लोगों को आगे आने का मौका मिला, उन पर जो जुल्म होते थे वो कम हुए। लाइक आपका दलित आंदोलन जो था, पहले दलितों पर हिंदुस्तान में बहुत ही ज़्यादा जुल्म हुआ करते थे, दलित आंदोलन में आपने दलितों को एक जगह दिलवाई अपनी, उनका भी एक समाज में स्थान पैदा हुआ, वो गांधी जी ने जो है किया है, महात्मा गांधी ने। आपका एक कॉल है जो कि जो ये भी सूफीज्म की परिभाषा ही मैं कहूँगा सीधे सीधे, आपने कहा था आँख के बदले आँख पूरी दुनिया को अंधा कर देगी। अगर आप ये सोचते हैं कि अगर इसने मेरे साथ ऐसा किया है मैं भी इसके साथ ऐसा करूँगा, तो ये चीज़ कभी ख़त्म नहीं होगी, हमेशा एक दूसरे से बदला लेने की इंतज़ार में हम लोग अपनी ज़िंदगी ऐसे ही गवा देंगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। सिर्फ बदला लेने की प्रवृत्ति इंसान में नहीं होना चाहिए। तो ये रीज़न है, इनकी बातें सुनकर ये रीज़न है कि इन्हें हमने सूफी की कैटेगरी में लिया है। अगला हम बात करें तो यहाँ पर है रविंद्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर का जो जन्म हुआ वो 1861 बंगाल में हुआ था, आपकी मृत्यु हुई 1941 में। आप बहुत ही महान कवि, साहित्यकार और तत्व ज्ञानी रहे हैं। कवि, इनकी कई कविताएं ऐसी हैं कि जिसमें सूफीज़ में झलकता है। तो आगे इनकी स्टोरी अगर हम कवर करते हैं तो बिल्कुल आपको उनके बारे में बताएंगे। अगले जो सूफ़ी हमारी लिस्ट में है उनका नाम है मीराबाई। सभी जानते हैं मीराबाई जो है कृष्ण भक्त थी, कृष्ण की भक्ति में ऐसी लीन थी कि आपको अपने आप की भी खबर नहीं रहती थी। तो सूफीज़म की एक स्टेज ये भी होती है कि आप किसी की भक्ति में इतने ज़्यादा लीन हो जाओ कि आपको ये भी पता ना हो आप कहाँ हो और आप किस हाल में हो। तो मीराबाई का जो जन्म था 1504 ईस्वी और आपकी मृत्यु 1558 ईस्वी में हुई। आप कृष्ण भक्त और भक्त कवि रही हैं, कई ऐसे दोहे आपने लिखे हैं जो आज भी भक्ति के लिए, पूजा पाठ के लिए पढ़े जाते हैं। सॉरी, आपका एक मंदिर भी मौजूद है जो कि राजस्थान के चित्तौड़ शहर में मौजूद है आपका मंदिर। अगले जो हमारे सूफी जो हमारी लिस्ट में हैं वो हैं श्री गुरु नानक साहिब। श्री गुरु नानक साहिब जो है, आपका जन्म सन 1469 पंजाब में हुआ और आपकी जो मृत्यु हुई 1549 करतारपुर में आपकी मृत्यु हुई। आपके भी बहुत ही अच्छे अच्छे कॉल हैं जो कि सूफीज्म के डेफिनेशन पे बिल्कुल खरे उतरते हैं। इसमें आपका एक कॉल है, ईश्वर एक है और उसकी उपासना सभी धर्मों के लिए है। ये बात शुरू से कही गई है कि ईश्वर एक है, अल्लाह एक है, जो भी हमारे हम जिसे खुदा मानते हैं वो सब एक ही एनर्जी है। तो ये आप 1469 में ये बात आपने कही थी, तो मतलब इतनी पहले ये बात कह देना जो कि आज के समाज में जिस बात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये कोई सूफी ही कर सकता है। आगे हमारे जो अगले सूफी जो हमने लिस्ट में लिया है वो है सूरदास। सूरदास का जो जन्म था वो 1478 मथुरा में आपका जन्म हुआ और मृत्यु आपकी 1580 गोवर्धन नाम की एक जगह है वहाँ पर आपकी मृत्यु हुई थी। आप एक भक्त कवि थे, आपके बारे में ये कहा जाता है कि आप जन्म से ही नेत्रहीन थे, लेकिन कृष्ण भक्ति में आपका भी जो है काफ़ी नाम था। मीराबाई के बाद अगर किसी को कृष्ण भक्त सही तरीके से कहा जाए तो वो सूरदास ही होंगे। अगला हम बात करते हैं, ये है तुलसीदास जी। तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में तो क्या बात करें, बहुत ज़्यादा वक्त चाहिए इनके रचनाओं के बारे में। बहुत ही ऐसी चीज़ें इन्होंने लिखी हैं जिन्हें आज भी जो कि रिसर्च का एक टॉपिक है, जिन पर अगर रिसर्च किया जाए तो काफ़ी कुछ चीज़ें निकल कर सामने आ सकती कि ऐसा उस वक्त में इन्होंने ऐसी बात कही थी। तो आपका जन्म जो था 1511 कासगंज यूपी में हुआ था और आपकी मृत्यु 1663 बनारस में हुई थी और आप राम भक्त और भक्त कवि थे। आपने आपकी जो रचनाएं थी वो थी एक रामचरितमानस, विनय पत्रिका और हनुमान चालीसा। ये आपकी मेन रचनाएं मैंने बताई हैं। ऐसी हज़ारों चीज़ें आपने लिखी हैं जिन पर आज भी रिसर्च लोग करते हैं। इन्होंने एक बात कही थी, पश्य देवस्य काव्यान न मृणोति न जृयोति। ये संस्कृत में कही गई बात है और यही बात मैं आपको पूरे वीडियो में अभी तक बताते आ रहा हूँ जब से ये वीडियो स्टार्ट हुआ है। इस कथन का मतलब है कि जो देव मानुष होते हैं, मतलब जो कि देवों के भक्त होते हैं और जो अपने आप में एक, देखा जाए तो मैं अपनी लैंग्वेज में कहूँ तो जो सूफ़ी होते हैं और जो भगवान से सच में खुदा से मोहब्बत करते हैं, उनके जो कॉल होते हैं, उनकी जो बातें होती हैं वो ना कभी पुरानी होती हैं ना कभी मरती हैं।
वो हमेशा अमर रहती हैं। तो जितने भी सूफियों का मैंने आपको बताया है, सिर्फ उनकी बातें ही हमारे पास मौजूद हैं, इसलिए हम आज उनके बारे में जानते हैं। वो तो दुनिया से काफ़ी पहले जा चुके हैं, लेकिन उनकी बातें आज भी अमर हैं। तो यही बात तुलसीदास जी कहकर गए थे। तो ये थे तुलसीदास जी। जो लास्ट हमारी लिस्ट में नाम है वो है रहीम। रहीम जो है, आपका जन्म आपने सुना ही होगा, रहीम के दोहे, ये भी एक सूफी हुए हैं। आपका जन्म जो है 1556 लाहौर में हुआ, मृत्यु आपकी 1627 में दिल्ली में आपकी मृत्यु हुई थी। आप कवि, विद्वान, कला प्रेमी और बहुभाषी थे। बहुत सारी भाषाएं आप जानते थे, लाइक उर्दू, हिंदी, भोजपुरी, आपकी फारसी, ये सभी भाषाओं को आप जानते थे। आपका एक कॉल है, वही तुलसीदास जी की बात मैं यहाँ पर फिर से कहना चाहूँगा कि पश्य देवश्य काव्यं न जियति न मृणोति, ना कभी पुराने होती हैं ये बातें और ना कभी ये बातें मरती हैं, ये हमेशा जीवित रहती हैं। तो आपने कही थी, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे तो फिर जुरे नहीं, जुरे गांठ परी जाए। तो प्रेम का जो धागा होता है उसे इतनी आसानी से मत टूटने दीजिए। अगर वो टूट जाता है तो फिर जुड़ता नहीं, और अगर जुड़ता भी तो कहीं ना कहीं एक कुछ खामी उसमें रह जाती है, उसमें गांठ पड़ जाती है। तो ये थे हमारे सूफी जितने भी अभी तक लिस्ट में, ऐसे हज़ारों नाम और हैं लेकिन इतना वक्त वीडियो में हमारे पास होता नहीं। तो जो स्पेशल थे उन लोगों के नाम हमने आपको बता दिए। आगे अगर आपके दिमाग में कोई ऐसा आता है किसी सूफी की स्टोरी आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं, तो हम उन्हें भी मेंशन हमारी लिस्ट में कर लेंगे और आगे उनकी स्टोरी बयान कर देंगे। तो अगला जो वीडियो हमारा आने वाला है, हमने जैसे कि एजेंडा बताया था कि आज हम आपको सूफियों के नाम बताने वाले हैं, अगला जो एजेंडा के अकॉर्डिंग जो सूफीज्म से रिलेटेड रिसोर्सेज हमारे पास जो अवेलेबल हैं, रिसोर्सेज मीन जो किताबें हैं मार्केट में अवेलेबल हैं जिससे कि आप सीख सकते हैं सूफीज्म को, जो यूट्यूब चैनल्स अवेलेबल है जिसपे सूफीज्म के बारे में काफ़ी हद तक बताया जाता है, और कुछ वेबसाइट्स ऐसी अवेलेबल है हमारे पास जिसपे सूफीज्म की बुक्स हमें मिल जाती हैं ईजीली, सॉफ्ट कॉपी। काफ़ी बुक्स तो हमने भी वहाँ से परचेस की हैं और काफ़ी फ्री डाउनलोड भी होती हैं पीडीएफ में। तो बहुत सारी बुक्स हमारे मोबाइल में अवेलेबल हैं, बहुत सारी बुक्स मार्केट से खरीदी हैं। तो हम आपको पूरा बताएंगे कि कहाँ से आपको रिसोर्सेस मिल सकते हैं सूफीज्म के बारे में और सीखने के लिए। तो तब तक के लिए मैं यही कहूँगा, अगर आप और जानना चाहते हैं सूफीज्म के बारे में, आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और आप एक कदम खुद की ओर लेना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल द वॉइस ऑफ सूफी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।